पूर्व मंत्री और विधायक वर्मा सोनकच पहुंचे। सोनकच विधानसभा को दी 3 एम्बुलेंस की सौगात। मंगलवार को विधायक सज्जन सिंह वर्मा सोनकच पहुंचे, जहां विधायक निधि से वर्मा ने शासकीय अस्पताल सोनकच को स्वीकृत एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र में टोक उप स्वास्थ्य केंद्र पर व चौबाधीरा उप स्वास्थ्य केंद्र पर भी विधायक वर्मा द्वारा एक एक एम्बुलेंस सौंपी गई। इस अवसर पर विधायक समर्थकों के साथ साथ बीएमओ आदर्श नानेरिया उपस्थित थे। इधर शासकीय अस्पताल सोनकच में एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, सोनकच नगर सामुदायिक अस्पताल को हमारे प्रयास से सिविल अस्पताल का दर्जा दिलाया है। पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा झूठी वाहवाही लूटने में लगे हैं। कोरोना काल के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने 2 दिन के अंदर शव वाहन देने घोषण की थी, जो आज तक नहीं आया है। बीजेपी नेता सिर्फ घोषणा करने जानते हैं, काम करना नहीं। जो आदमी आज से 8-10 महीने पहले यहाँ की कोरोना की प्रभारी बनती उषा ठाकुर को लाया था, और जिसने ये कहा था कि 3 दिन में शव वाहन आ जाएगा, इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे कोरोना से, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी की सरकार फेल रही, इतने लोग मर रहे थे कि मैं गिनती भी नहीं गिन सकता। उस समय आगे प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को लाया कि 3 दिन में मैं शव वाहन दे दूंगा। जिस आदमी की औकात शव वाहन देने की नहीं, आज तक वो शव वाहन नहीं आया, वो क्या सिविल हॉस्पिटल की सौगात देगा? सज्जन वर्मा ने तो एम्बुलेंस बोली, एम्बुलेंस आ गई, 50 लाख बोले ऑक्सीजन प्लांट के दे दिए, जो बोला सज्जन वर्मा ने दिया। अरे ये तो झूठ बोलने वाले वो लोग हैं जिनकी औकात इतनी सी है। अभी पहले बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे इनने, जादूगर सैमसन ने, जो यहाँ के गलती से रह गए हैं विधायक। मैं रेल लाऊंगा, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे रेल, कहाँ भग गई भैया तेरी रेल। कई इस तरह की झूठी घोषणाएं इन लोगों ने करी है। सिविल हॉस्पिटल जब कांग्रेस की सरकार थी, तुलसी सिलावट स्वास्थ्य मंत्री थे, तब इसकी पटकथा लिखी गई कैबिनेट में, हमने उस बात को रख के आगे बढ़ाई, और उसका परिणाम है कि आज सिविल हॉस्पिटल की घोषणा हुई है। झूठी वाहवाही लेने वाले लोग, जैसे इनका नरेंद्र मोदी 10 साल तक मंगलयान मंत्रा बनता रहा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, और उनके हटने के 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने मंगलयान छोड़ दिया, बोले मैंने मंगलयान बनाया, जो 10 साल तक बना था, उसमें के झूठ बोलने वाले लोग हैं।